आज गोवा में है और हमारे साथ है अजय जाधव है और बाकी और भी 10-20 लोग हैं, लेकिन उनको उनसे हम बाद में मिलेंगे। तो अभी हमने ये एक्टिवा यहाँ पे रेंट से ली है, इसका 300 रुपये पर डे के हिसाब से चार्जेस हैं। 3 दिन के ऊपर लेते हो तो 300 रुपये के हिसाब से मिलेगा, एक दिन के लिए चाहिए तो वो 500 रुपीज़ चार्ज कर देंगे। यस, सो सीज़न के हिसाब से। सो अभी हमने एक्टिवा ली है, 3 दिन के लिए ली है और अभी फ़िलहाल तो हमारा 2 या 3 दिन का प्लान है यहाँ रुकने का। सो लेट्स एक्सप्लोर द गोवा, दिस इज़ द सेकंड टाइम की मेरी तो सेकंड टाइम है मेरी यहाँ पे, थर्ड टाइम है। ओके, सो अभी हम जाएंगे बागा बीच, बट बिफोर गोइंग टू बागा बीच कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बीच पे जाएंगे। बीच मिर्ची बजे अभी अभी अच्छा लग रहा है पेट में। अभी हम लोग वो पॉइंट पे जा रहे हैं, वहाँ पे कहते हैं कि वो डॉल्फिन पॉइंट है। क्या हुआ? रास्ता भटक गए, जाना था डॉल्फिन पॉइंट, बट पता नहीं ये इस रास्ते से आए। अच्छा तो लगा था, मतलब ये ग्रीनरी विनरी, बट ये बोटिंग के लिए बनाया हुआ है उन्होंने। रिटर्न जाते अभी, देखते हैं डॉल्फिन पॉइंट कैसे पहुँचना पड़ेगा। चलो फिर, अच्छा ही है, यहाँ पे एक मंदिर भी है। हमारे साथ तीसरा पार्टनर अपना ऋषि है। हेलो गाइस, तो हम लोग सुबह ही गोवा में एंटर हो गए थे। हम लोग अभी कोकोवा बीच पे है, मतलब घूम के आ गए। नाउ वी आर एट डॉल्फिन पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे मतलब क्या एक्चुअली शॉपिंग कर सकते हैं, देख रहे थे। वो तो अभी देख लेते हैं, आगे चलते हैं, अभी आगे देखते हैं डॉल्फिन पॉइंट कैसा है, देख लेते हैं। यहाँ से बोटिंग वगैरह होता है या इधर भी, ये साइड भी अच्छा है, मतलब इधर में देखेंगे ना, फार्म हाउस वगैरह जैसा फील आ रहा है उधर। सो ये है कोको बीच और इसको डॉल्फिन पॉइंट भी कहते हैं। एक्चुअली इसको डॉल्फिन पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ दिस प्लेस ना, यू कैन एक्चुअली सी द डॉल्फिन्स इनसाइड। सो ये जो बोट्स सब, ये सब जो लोग हैं वो डॉल्फिन देख रहे हैं, वहाँ पर वो पॉइंट पर जा रहे हैं। सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, 5-10 मिनट यहाँ पे ये जो रास्ता दिख रहा है इस पे से एक राउंड मारेंगे, वहाँ से फिर घूम के आएंगे। यहीं पे बाइक पार्क किए, एक प्रोविज़न मुझे बहुत अच्छी लगी गोवा की कि अभी ये देखने के लिए, मतलब अगर आपको ये देखना है तो आपको इन्होंने पार्किंग के लिए भी अलग से एक प्रोविजन किए, तो यहाँ वहाँ पे पार्क कर सकते हो। और ये देख रहे हो बड़े बड़े कसिनोज है, ये कसिनो है, ये भी सेकंड कसिनो ही है और उस साइड भी कसिनो है, पूरे कसिनो है। जो समंदर का जो बैक वाटर है, उस बैक वाटर में कसिनो है। यहाँ से ये जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। खैर अभी तो हम दोपहर के 12 बजे यहाँ पे आए, अभी तो ये राइट टाइम नहीं है यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत धूप भी बहुत है, मई महीना चल रहा है और गोवा में ह्यूमिडिटी और धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो विल जस्ट स्पेंड सम टाइम हियर एंड विल गो टू लोकेशन डोना पावला लोकेशन, सो विच इज़ इन पणजी। राइट, यू कैन सी दिस इज यू नो द वन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग हियर। मतलब ये भी अच्छी है, यहाँ पे भी फोटो भी तो ले सकते हो, काफ़ी अच्छे फोटोज आए, हमने भी फोटोज लिए अभी यहाँ पे, अच्छे फोटोज आए। चलो जाते फिर आगे। ओ शिट, एक्सीडेंट होते होते बच गया भाई।
औरत की कुछ भी गलती नहीं थी। हमें है पंजी का ये नया मार्केट है, तो जाते जाते दिखा हमें सब्जी मार्केट, या मोस्टली सब्जी मार्केट ही है बहुत बड़ा। सो लाइक एक बार यहाँ से भी जाके सीरियसली सब मतलब मार्केट बहुत बड़ा है एक्चुअली। फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे कपड़ा मार्केट है, और उस साइड मोबाइल मार्केट। भाई साहब कितने की है? कौन सा सर? ये वाली 350। 350 की है। कलर बहुत जो कुछ कलर 25 कलर कौन वाला निकाल। तो अभी पंजी का जो मार्केट है वो मार्केट अंदर से देख ही लिए, अभी मार्केट से निकल रहे हैं। दाना पावड़ा करके जो प्लेस है वहाँ पे जाने वाले हैं। याद रहनी चाहिए, इसके लिए कुछ शॉपिंग भी कर लिए, कुछ शर्ट शॉर्ट्स लिए, और वो पहन के फील भी आया कि चलो अब गोवा में चलो गोवा में आए। हाँ तो अभी चलो यहाँ से निकलते हैं, और नेक्स्ट जो लोकेशन है अपनी वो है डोनापावला। तो लेट्स गो देयर। हेलमेट कंपलसरी है गोवा में, हेलमेट नहीं रहा तो 500 रुपये फाइन। कल हमने हेलमेट नहीं पहना था, दो तीन जगह हमें रोका, उन्होंने रुकाया अभी। राइट चलो यहाँ से राइट लेके लेफ्ट। ये वही वाला, अगर यहाँ पे गाड़ी लगा के हम लोग सीधा जाएंगे ना वो वाला पॉइंट तो जाना है। जाते चल थोड़ा चल। हाँ लगा दे वहाँ बाइक लगा दे, पार्किंग के लिए जगह है ना। जगह का नाम तो पता नहीं, बट ये यहाँ पे चौराहा था, ये चौराहे के सामने ये थोड़ा सा गार्डन मीरामार बीच। क्या है ये? मीरामार। ओके ये जगह का नाम है मीरामार। यहाँ से बीच के साइड में ही बीच के साइड में इन्होंने ये अच्छा सा बनाया है। सो ये अच्छा लगा, सो देखते कैसा है। जैसे मुंबई में जैसे जो गोवा है, गोवा में जो मेन बीच है वो बीच है एक कलिंगट, देन अंजना बीच, देन बागा बीच, ये सबसे अच्छे बीच है वहाँ पे। वैसे ही ये पंजी की साइड में एक ज़्यादा बीच नहीं है, पंजी की साइड में बहुत कम बीच है, उसमें से एक छोटा सा बीच है। तो अभी हम यहाँ पे आए, और जो मेन प्लेसेस है पंजी में वो तो डोनापावला है, और एक दूसरा वो सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी वो है। लेकिन पंजी में मार्केट अच्छा है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मार्केट में भी गए थे। दोनों फॉलो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि काम चल रहा है, इसकी वजह से ऊपर जाना मना है। चलो यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से ये व्यू तो अच्छा दिख रहा है, और ऊपर से ये नीचे का व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है। लास्ट टाइम तो हम यहाँ गए थे, अभी तो जा नहीं सकते। और इस साइड है राजभवन, यहाँ पर एंट्री नहीं है। तो जैसे अभी हम ऊपर गए थे तौलापना, वो भी बंद है, उसके राइट हैंड साइड में राजभवन है, और ये राजभवन से व्यू दिखता है। और यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो बोट्स दिख रही है, ये पूरा मेरा भी